Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है, जो हमारी स्टैटिक जीके चल रही है, उसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। हम लोग रेल परिवहन पढ़ रहे थे और हमने बताया कि रेल परिवहन में, चूंकि रेल परिवहन जो हमारा है, रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें रेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इसको थोड़ा विस्तार में मैं बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा टॉपिक रहेगा जोन, कहां पे कौन सा जोन है, उसको याद करने का तरीका क्या है। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा कि कहां पे कौन सी चीजें बनती हैं, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे कहां बनते हैं, रेल इंजन कहां बनते हैं। तो ये सब सारी चीजें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कुछ देर रुकिए, वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज चलते हैं हम जोन के बारे में। देखिए, हमारे जो रेलवे है उसमें टोटल 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन है, जिसमें लास्ट का जो 18वां जोन बना था हमारा, जो लास्ट का 18वां जोन बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश का। वो कहां बना था? आंध्र प्रदेश में बना था, विशाखापत्तनम। ठीक, आंध्र प्रदेश में बना था विशाखापत्तनम, और ये था हमारा दक्षिण तट रेलवे। ठीक, तो जो नया मुख्यालय बना था, वो मेरा 18वां मुख्यालय कहां में बना था? विशाखापत्तनम में बना था, जो कि दक्षिण तट रेलवे था। तो चलिए हम 18 के 18 डिस्कस करते हैं। केवल आप एक चीज आप ध्यान में रखिए, देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा, भारत का नक्शा बना हुआ है इसमें। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि भारत का नक्शा अगर आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक, तो आप देख लिए होंगे, सबसे पहले देखिए, आज आपको पूरा तैयार हो जाएगा, किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी ट्रिक के। तो चलिए हम देखते हैं, हमने भारत के नक्शे में क्या देखा है। देखा है एकदम ऊपर दिल्ली है, नीचे चेन्नई है, अगर हम इधर बात करें तो मुंबई है, ठीक, और इधर बात करें तो कोलकाता है, मेन जो है। तो मेन का मतलब कि मेन हमारे पास क्या क्या है, देखिए, सबसे ऊपर क्या है? दिल्ली। इधर क्या है? कोलकाता। महानगर जो है हमारे, महानगर की ओर देखिए बस, कोलकाता। ठीक, इधर क्या है आपका? मुंबई। वहीं नीचे क्या है आपका? चेन्नई। ठीक भाई, आप ये तो जानते ही होंगे कि ऊपर आपका ईस्ट है, और ऊपर इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका नॉर्थ है, और इधर आपका साउथ है। ठीक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगर पूछा जाए कि नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या है? दिल्ली। फिर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, उसके बाद दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। ठीक, चार नाम याद हुए आपको भाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। ठीक, आगे चलते हैं, आगे जब चलेंगे तो इसको क्रॉस करिए। जब आप क्रॉस करेंगे तो देखिए, ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व रेलवे। ये आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट साउथ, दक्षिण पूर्व रेलवे। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम रेलवे। ये आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट साउथ, यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे।
ठीक, तो उत्तर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय होगा आपका वो क्या होगा। भारत का नक्शा देखिए तो ऊपर दिल्ली है और दिल्ली के इधर आप देखेंगे तो यहां पे आपका है गोरखपुर, क्या है गोरखपुर। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पे है गोरखपुर में है। उसी तरह इधर अगर आप देखेंगे तो ईस्ट साउथ जो है आपका यानी कि पूर्व दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये भी आपका कोलकाता ही है, ये भी आपका क्या है कोलकाता ही है। वही अगर आप इधर की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे बड़ा शहर आपको पता होगा जयपुर। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्य उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय वो क्या है जयपुर। वही अगर वेस्ट साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करें तो दक्षिण पश्चिम रेलवे में आपको क्या हो जाएगा हुगली हो जाएगा। तो देखिए हमने कितना देख लिया, हमने देखा चार तो हमारे सीधे सीधे थे, दिल्ली उत्तर में, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में मुंबई, पूर्व में कोलकाता। ठीक, फिर देखिए उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में आपको मिलेगा गोरखपुर। फिर इधर देखिए उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में आपको मिलेगा जयपुर। फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व में मिलेगा आपको कोलकाता। वहीं अगर इधर की बात करेंगे तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम में आपको मिलेगा हुगली, हुगली आपका कर्नाटक में है। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद आप देखेंगे तो मध्य रेलवे एकदम बीचों बीच में ना, एकदम बीचों बीच में मुंबई है। यानी कि मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पे है मुंबई में है। ठीक, सेंट्रल रेलवे जिसको बोलते हैं। वही अगर हम इधर बात करें तो ये क्या, ये कौन सी दिशा थी आपकी पश्चिम, और ये क्या हो जाएगी पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक, तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है आपका वो है जबलपुर में, कहां पे है जबलपुर में। पश्चिम मध्य मतलब कि बीच में आपका मुंबई और इधर आपका मुंबई है ही है, दोनों के बीच में जबलपुर हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका ईस्ट है और ईस्ट मध्य रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे आपका क्या हो जाएगा, तो पूर्व मध्य रेलवे जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका कौन सा पूर्व मध्य रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे आपका हो जाएगा हाजीपुर। ठीक, पूर्व मध्य रेलवे क्या हो जाएगा आपका हाजीपुर। ठीक, पूर्व मध्य रेलवे आपका हो जाएगा हाजीपुर। उसके बाद देखिए ये आपका है दक्षिण और ये आपका है दक्षिण मध्य, तो दक्षिण मध्य रेलवे जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे कहां हो जाएगा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद जो है आपका दक्षिण की तरफ है और चूंकि दक्षिण में चेन्नई है, चेन्नई के ऊपर जब आप आएंगे तो सिकंदराबाद आपको मिलेगा। मैप में जब देखेंगे तो मैप से बहुत अच्छे समझ में आएगा, तो दक्षिण के मध्य में आपका क्या है सिकंदराबाद है। उसी तरह भाई ये आपका उत्तर है और उत्तर मध्य रेलवे का भी मुख्यालय कहां पे है दिल्ली में ही है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है दिल्ली में ही है। ठीक, तो ये हमने चार देख लिया, कहां पे चार बीच में देख लिया। तो हमने अभी तक कितने देखे भाई, चार तो हमने चारों दिशा का देख लिया, उत्तर दिल्ली, दक्षिण चेन्नई, पूरब हमारा कोलकाता, पश्चिम मुंबई, चार ये देख लिए। फिर चार कोनों वाला देख लिए, मतलब उत्तर पूर्व में हमारा गोरखपुर, फिर इधर उत्तर पश्चिम में जयपुर, फिर नीचे दक्षिण पूरब कोलकाता, फिर दक्षिण पश्चिम यानी कि हुगली। तो हमने कितना देखा, चार चार आठ, आठ देख लिया, फिर मध्य में देख लिया चार, तो आठ चार बारह भाई। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पूर्व मध्य रेलवे उत्तर मध्य रेलवे दिल्ली और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। तो कितना हो गया, चार चार आठ चार बारह, और एक बीच में देख लिया मुंबई, तो बारह एक तेरह हो गया हमारा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका यहां पे
यहां पे आपको मिलेगा एक गुवाहाटी, क्या मिलेगा? गुवाहाटी मिलेगा जो कि मालीगांव में है। तो मालीगांव में एक है मुख्यालय गुवाहाटी, और ये क्या हो जाएगा, चूंकि नॉर्थ ईस्ट है ना, यानी कि उत्तर पूर्वी तटीय रेलवे, उत्तर पूर्व तट रेलवे, उत्तर पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? गुवाहाटी में। फिर वही देखिए, अगर आप इधर की बात करें तो ये आपका क्या है, ईस्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, पूर्व। तो जो आपका पूर्व तट रेलवे है वो आपका कहां पे है? भुवनेश्वर में है। ठीक, पूर्व तट रेलवे आपका कहां पे है? भुवनेश्वर में है। इसी के बाद देखिए, इसी के बाद ये आपका क्या है, दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, यहीं पे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है ये आपका बिलासपुर है। क्या है? बिलासपुर। ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे केवल जो आपकी तिरछी दिशा है, तिरछी दिशा में केवल एक ही रेलवे जोन है जो कि आपका है बिलासपुर, और कहां पे है? दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व का मध्य का है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपका कहां पे है? बिलासपुर में है। ठीक, इसके बाद देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपने देख लिया, अगला जो है आपका कितना हो गया भाई, हमने 14 देखा था, चार किया 12, ठीक, 12 के बाद एक 13, 13 के बाद एक 14, एक 15 और एक 16। एक हमने अभी नया बताया, क्या बताया, कि दक्षिण तट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे जो आपका है, दक्षिण तट रेलवे किसका है, ये आपका है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में है दक्षिण, दक्षिण तट रेलवे। ठीक, तो दक्षिण तट रेलवे आपका कहां पे हो गया? विशाखापट्टनम में हो गया। और एक आपका अखबार में है लास्ट में, जो कि है कोलकाता, कोलकाता मेट्रो। ठीक, कोलकाता मेट्रो रेल, ये आपका कहां पे है? कोलकाता में है। तो ये आपका टोटल 18 जोन हो गए, और किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको एक सेकंड में याद हो जाएगा। सुनिए सुनिए, आपको एक सेकंड में याद होगा, उत्तर में क्या है? दिल्ली। दक्षिण में क्या है? चेन्नई है। पूरब में क्या है? कोलकाता है। पश्चिम में क्या है? मुंबई है। ठीक, उत्तर पूर्व में क्या है? गोरखपुर है। उत्तर दक्षिण में क्या है? जयपुर है। फिर उत्तर दक्षिण में क्या है? उत्तर दक्षिण में, पूरब दक्षिण में क्या है? तो पूरब दक्षिण में हमारा क्या है? कोलकाता। इधर की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में हुगली है। फिर मध्य की बात करें तो देखिए, अगर मध्य की बात करेंगे तो हमारा इधर क्या है? पश्चिम। तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। फिर इधर पूरब पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। फिर ऊपर, तो ऊपर हमारा क्या है? नॉर्थ यानी कि उत्तर, उत्तर मध्य रेलवे यानी कि दिल्ली। नीचे क्या है? दक्षिण, दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि सिकंदराबाद। ठीक, तो मध्य वाला हमने देख लिया। अपवाद का क्या है? जो तट पे है। तो हमारा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व तट रेलवे क्या है? गुवाहाटी। ठीक, फिर नीचे आएंगे उत्तर तट रेलवे, ओ एक मिनट रुकिएगा, उत्तर पूर्व हो गया गुवाहाटी, फिर पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। ठीक, ये हमारा हो गया तट का। उसके बाद कोलकाता मेट्रो, ये आपका कोलकाता में है, अगला जोन हो गया। फिर एक आपका सेंट्रल बीच में है, क्या? मुंबई। तो ये था आपका टोटल 18 जोन। कहीं अगर समझने में समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, जो आपका रेल डिब्बा बनता है और जो आपका रेल इंजन बनता है वो कहां कहां पे बनते हैं। ठीक,
तो देखिए जो हमारा रेल इंजन बनता है, रेल इंजन तो चितरंजन लोकोमोटिव चितरंजन ये विद्युत इंजन बनता है आपके कहां पे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में। फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये आपका वाराणसी में है, यहाँ पे डीजल इंजन बनता है। और एक बात सुन लीजिए कि वाराणसी में ही विश्व का पहला ऐसा कारखाना है, वाराणसी ही विश्व का पहला ऐसा कारखाना है जिसने डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदला है। ठीक, जिसने डीजल इंजन को किसमें बदल दिया है, इलेक्ट्रिक इंजन में, वो कौन सा कारखाना है, वाराणसी है। उसी के बाद देखिए जो आपका डीजल कंपोनेंट वर्क्स है पटियाला में, ये भी आपका डीजल इंजन का पुर्जा बनाता है। कौन सा, डीजल कंपोनेंट वर्क्स, ये कहां पे है, पटियाला में है, और ये बनाता क्या है, डीजल इंजन के पुर्जे बनाता है। फिर वहीं आगे देखें तो डीजल लोकोमोटिव कंपनी, ये भी आपकी जमशेदपुर में है और क्या बनाती है, डीजल इंजन बनाती है। वही अगर बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये आपका जो है भोपाल में है और ये भी जो है आपका डीजल इंजन बनाती है। तो हमने क्या क्या बताया, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक, जो कि चितरंजन में है। उसके बाद हमने क्या बताया, वाराणसी में बताया हमने, ठीक, कौन सा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, और यही वाराणसी में ही जो वाराणसी का कारखाना है दुनिया का पहला कारखाना है जिसमें डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदल दिया। उसके बाद आपका है डीजल कंपोनेंट्स वर्क्स, ये कहां पे है, पटियाला में है, ये भी आपका डीजल इंजन का क्या बनाता है, पुर्जा बनाता है। वहीं अगर हम रेल डिब्बे की बात करें तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ठीक, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेरम्बूर में है चेन्नई शहर में, यही पर आपका जो ट्रेन 18 या वंदे भारत है, ट्रेन 18 या वंदे भारत है, उसका डिब्बा आपका यही पे बना है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। उसके बाद देखिए जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, यहां पर भी जो है रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। फिर वही भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये आपका कहां पे है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है, यहां भी रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। फिर वही जेसेफ एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है, कहां पे, पश्चिम बंगाल में। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये कहां पे है, पंजाब में, यहां पर भी रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। वही मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात की जाए, मॉडर्न डिब्बे जो बनाए जाते हैं वो कहां पे बनाए जाते हैं, रायबरेली में बनाए जाते हैं। कहां पे, रायबरेली में बनाए जाते हैं। एक चीज और बता दें कि गुजरात के बड़ोदरा में विश्व में तीसरा देश ऐसा है जिसने रेल विश्वविद्यालय खोला है। कहां पे, बड़ोदरा में, अच्छा लिखा नहीं, देखिए गुजरात के वडोदरा में देश का पहला रेल विश्वविद्यालय, ठीक, जो कि 15 दिसंबर 2018 को स्थापित किया गया। 15 दिसंबर 2018 को गुजरात के बड़ोदरा में देश का पहला रेल विश्वविद्यालय है, और सिर्फ 3 देश के पास रेल विश्वविद्यालय है, पहला आपका रूस, दूसरा चाइना, और तीसरा अपना भारत। ठीक, तो ये था हमारा कि रेल के विषय में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपको बता दी। कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रेलवे का आखिरी टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे बदले गए रेलवे स्टेशन के नाम हैं वो, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें, ठीक, कुछ करंट की चीजें जो रेलवे में बदली गई हैं, रेलवे में जो कुछ करंट में बदलाव हुआ है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि कैसा है,
और हमने बताया है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और 1 तारीख से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए आप जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।